इस्लाम एंड टेक इन्फॉर्मेशन चैनल। तो आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर। जैसा कि कल मैंने सुबह सुबह ही वेबसाइट ओपन की थी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मैंने फ़ौरन वीडियो बनाकर आपको बताया कि आप परेशान मत होइएगा, तो इस हवाले से वेबसाइट जल्दी ठीक हो जाएगी। तो थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गई थी, साथियों ने भी बाज़ ने चेक किया था तो उन्होंने भी आगाह किया था, तो मैंने ख़ुद भी फिर चेक की तो वो ठीक हो गई थी। तो मज़ीद इस पर एक मौन में वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको गाहे बगाहे मदीना यूनिवर्सिटी के हवाले से और दीगर यूनिवर्सिटियों के हवाले से अपडेट करता रहूँ। और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जैसे कि मैं पहले भी करता हूँ आपसे, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए और दोस्तों को कहिए कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद आगे बढ़ाएं। तो ये देखिए वेबसाइट को मैंने ओपन किया, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया और ये देखिए आ गया तस्जील दुखूल। इस पर क्लिक करेंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बच्चों का कहां तक दाखला पहुंच चुका है, क्या उनकी हालत है, किस हालत में है, आगे उनका क्या होगा। ये देखें, ये जितने बच्चे हैं इनका मैंने एडमिशन भेजा हुआ था, तो इनके मेरे पास महफूज हैं। तो मैं चंद का आपके सामने, ये एक विशाल लड़का है, ये वैसे तो मैं कहता हूँ लेज़ी लड़का है, बहुत नालायक लड़का है। इसका मैंने दाखला भी भेजा, इसको बताया भी कि एडमिशन वो आपने टेस्ट देना है, उसने टेस्ट नहीं दिया था तो लिहाजा इसका ये फिर तहतो दरासा में चला गया हुआ है। और तहतो दरासा वाले जो बच्चे हैं, मैं उनको उनका दिल नहीं तोड़ूँगा, यही कहूँगा कि वो दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। अब अक्सर लड़कों का तहद्दुद दरासा में चला गया है और कुछ का, ये एक जहूर लड़का है मुजफ़राबाद का, इसका मुहिल में है, ये मुहिल में है। अब मुहिल वाले, उनके बारे में ख्वाहिश की जा सकती है, क्योंकि उनका आगे अब तीसरा मरहला जो होता है ना, वो दरख्वास्त का, वो होता है मुरशी मुबदी मुबदाई ऐसे लिखा होता है। और उस मरहले में, यानी कि वो बताते हैं कि आपका इब्तदाई मरहले में दाखला हो चुका है, पहला मरहला, वो अभी तक किसी का भी नहीं हुआ। कि मुअहिल वालों के बारे में उम्मीद की जा सकती है, 100% भी नहीं, 50% या 20% उम्मीद की जा सकती है कि उनका शायद अब मुरशा में चला जाए। तो बाकी दूसरे जिनका तहत दरासा में चला गया है, उनके बारे में भी दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, उनका भी मुरशा में हो जाए। तो फ़ाइनल इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता तहत दरासा वालों का और मुअहिल वालों का। ये दो ही हालतें हम नज़र आ रही हैं, एक तहत दरासा और एक मुरशा और मुअहिल। मुअहिल वाले कम हैं, तहत दरासा वाले ज़्यादा हैं। ये देखिए, अब जितने भी मेरे पास हैं ना, सिर्फ दो लड़कों का मुअहिल नज़र आ रहा है, एक मेरा है और एक ये जहूर लड़का है। ये एक और लड़की का मैं आपको चेक करा दूं, इसका भी तहत दरासा में है, ये तहत दरासा में है। ये आपको अब यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि कैसे अपना दरख्वास्त चेक करते हैं। मैं यानी कि देखें ना, इसको वेबसाइट को ओपन किया, ओपन करने के बाद नीचे आए, तस्जील दुखूल पर क्लिक किया, इसमें मुस्तकदी में अपना ईमेल डालें। बाज़ लड़कों ने किसी से दाखला भिजवाया होता है और उनको फिर पता नहीं होता, वो उसका दे देते हैं उसका दरख्वास्त नंबर, ईमेल पासवर्ड वगैरह नहीं देते, तो फिर वो दरख्वास्त नंबर ही लगाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना, अपना ईमेल पासवर्ड लगाना होता है। अब इसके अलावा ये मेरा है, मैंने बताया ऊपर ईमेल है, नीचे पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड। यह तस्जील दुखूल पर फिर क्लिक किया, ये आ गया, ये मेरा भी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुअहिल में ही है। तो आप सब भाइयों से दरख्वास्त है दुआओं की भी, कि दुआ करें अपने लिए, मेरे भी अभी। इसके अलावा एक आधे लड़के का और मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये देखें, एक ये था, ये भी मैं डबल पेज बैठा था, अब ये उन्होंने महफूज कर दिया होगा, ये देखें महफूज हो चुका है, यानी ऐसे हो गया, रिजेक्ट हो चुका है।
अब ऐसे यानी कि ज़्यादातर दो ही हालतें, एक तहतुदरा सा, एक मौहिल। अब सब भाई दुआ भी करते रहें, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भाइयों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।